सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप का और एक ट्रिक नया लेकर के आया हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप व्हाट्सएप को नोट्स के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको कोई भी काम करना हो, क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप सब कुछ व्हाट्सएप पर लिख करके रख सकते हो और यह मैसेज किसी को भी सेंड नहीं होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूं। और ओपन करने के बाद आपको इसमें से क्या करना है, देखिए यहां पे थ्री डॉट का ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है, तो मैं यहां से थ्री डॉट पे क्लिक कर लेता हूं। और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर में न्यू ग्रुप का, मैं इसे यहाँ से न्यू ग्रुप पर क्लिक कर लूँगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी एक नंबर ले लूँगा, तो चलिए मैंने एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ से एयरटेल मोबाइल है तो मैं यहाँ से इसे ले लेता हूँ। इसे मैंने यहाँ इसे टच कर दिया, और टच करने के बाद देखिए यहाँ से ओके कर देता हूँ, ये जो एरो का निशान है। उसके बाद एक ग्रुप का मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ। तो चलिए आप किसी का भी नंबर ले सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद ग्रुप का नाम कुछ भी डाल देते हैं, तो चलिए मैंने ग्रुप का नाम डाल देता हूँ, नोट्स लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये नोट्स के तौर पर ही मैं यूज कर रहा हूँ इसे नोट्स। तो यहाँ इसे ओके कर दिया दोस्तों। ओके करने के बाद ये देखिए, ये मेरा सबसे ऊपर में ग्रुप बन के आ गया, जो मैंने ग्रुप को बनाया है। तो देखिए ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप को मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा टच करके रखूँगा, और टच करके रखने के बाद ऊपर में एक पिन का ऑप्शन है, देखिए ये पिन का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं इसे पिन कर दूँगा। पिन करने से क्या होगा दोस्तों, ये नोट्स हमेशा कभी भी ये नीचे नहीं जाएगा, ये सबसे ऊपर ही रहेगा। इस पर कोई भी मैसेज करे या ना करे ये, और इसमें मैंने एक आदमी को ऐड करके रखा है। अब क्या करूँगा, इसे यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद फिर से थ्री डॉट पे जाऊँगा। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से ग्रुप इन्फो में टच करेंगे, तो ग्रुप इन्फो में टच करने के बाद इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखिए मैंने इस ऐप को ऐप बनाया है, और यहाँ से ग्रुप एडमिन मैं हूँ इसका। इस तरह से आप अगर नया ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रुप भी बना सकते हैं, ऐसे ही ग्रुप बनता है। अब मैं क्या करूँगा, जो ये एयरटेल का नंबर मैंने जिसका भी ऐड करके रखा है, इसको यहाँ से क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है रिमूव एयरटेल, तो मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ से ओके कर दूँगा, और ये अब इस ग्रुप से रिमूव हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं इस ग्रुप में केवल मेरा ही नंबर है और कोई भी नहीं है, और मैं ही ग्रुप एडमिन हूँ इसका। तो आपने देख लिया। चलिए अब मैं बताता हूँ अब क्या करना है। इसके लिए फिर से मैं इसे बैक करता हूँ, और अब ये फाइनली मेरा नॉट बन के तैयार हो गया है। देखिए ये बैक है, ये नॉट्स है, और इसमें मैं थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ, ग्रुप इन्फो में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है ग्रुप एडमिन का, और ये मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप, मैं मतलब मेरा दो व्हाट्सएप हो गया ग्रुप में। अब देखिए एक तो मेरा व्हाट्सएप वो है जिस पे मैसेज आता है, लेकिन ये जो है ग्रुप है मेरा, और ये मेरा ग्रुप है और मेरा व्हाट्सएप भी है। तब मैं क्या करूँगा इसे यहाँ से, अब मुझे कोई भी काम रहेगा दोस्तों मुझे यहाँ से लिख देना है, जैसे मुझे मॉर्निंग में कहीं जाना है तो मैं लिख दूँगा यहाँ। देखिए इस तरह से मैंने इसे यहाँ एक नोट के तौर पर इस्तेमाल कर दिया कि मैं कल सुबह ऑफिस जाऊंगा, और मैंने इसे यहाँ से सेंड कर दिया। तो दोस्तों ये नोट्स की तरह इस्तेमाल हो गया, और ये मेरा ही व्हाट्सएप है, ये किसी को मैसेज जाएगा नहीं। बस जैसे फिर आपको और भी कोई काम करना है, मान के चलिए कि मुझे शाम में कहीं जाना है, मुझे शाम में मार्केट जाना है, तो यहाँ पर लिख दूँगा, ऐसे लिख देंगे कॉमन लैंग्वेज में। मैंने यहाँ पर लिख दिया मुझे इवनिंग में मार्केट जाना है, और मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। और इस तरह से आप कहीं पे सब्जी लाने जाते हैं, या फिर बाज़ार जा रहे हैं, या कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से लिख करके रख सकते हैं, और फिर आपको जब लगेगा, इस तरह से आप कोई भी काम करने के लिए जाएंगे, और फिर आप यहाँ से आप नोट को ओपन कर लेंगे और देख लेंगे कि मुझे क्या क्या काम है, और जब आपको लगता है कि ये काम हो गया तो आप इसे यहाँ से फिर से क्लिक कर देंगे। जब आपका शाम हो जाएगा और आप मार्केट जा के आ गए, तो फिर इसे यहाँ से क्लिक करके डिलीट फॉर्म ही कर देंगे, क्योंकि और किसी को मैसेज तो गया नहीं है, क्योंकि एक ही ग्रुप में आदमी और वो आप ही हो, तो फिर यहाँ से इसे डिलीट फॉर्म ही कर देंगे, और ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आपको जो जो काम है आप यहाँ से लिख करके रखेंगे, और फिर जो काम हो गया उसे आप डिलीट कर दीजिए, और नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो फिर उसका पूरा हिस्ट्री रहेगा।
आप किसी को इस तरह से पैसा लेन देन करना करते हैं तब भी आप लिख के यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद अगर WhatsApp पे कोई भी आपको एक ऐसा मैसेज भेजता है जो बढ़िया कोई आपको ठीक लगता है, वो मैसेज जैसे मान के चलिए इसने हमें कोई भी ऐसे मैसेज भेजा और हम चाहते हैं कि ये मैसेज मेरे पास परमानेंट रहे, तो हम इसे यहाँ से क्लिक करके सेंड करेंगे और हम अपने ग्रुप में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ से हम अपने नोट्स में इसे भेज देंगे। इस तरह से जब हम देखिए ये मेरे ग्रुप में आ गया, अब अगर हम इस ग्रुप को जैसे यहाँ से खाली भी कर देंगे, इसने भेजा और यहाँ से हम इसे क्लियर भी कर देंगे, जैसे मैंने चैट को क्लियर कर दिया, तो इस तरह से जितने भी आपके ये मैंने क्लियर कर दिया, तो मुझे जो ज़रूरी मैसेज था मैंने अपने नोट्स में ले लिया इसे। इस तरह से अगर आपको कोई भी मैसेज करता है दूसरे व्हाट्सएप पे, तो आप उसमें जो ज़रूरी मैसेज होता है आप उसको अपने नोट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से आप नोट्स को यूज कर सकते हैं दोस्तों। फिर इसमें क्या होता है, एक और होता है कि जैसे आपको व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करता है कोई फ्रेंड, और अगर आपको लगता है कि वो डिलीट ना कर दे, मान के चलिए किसी ने कुछ भेजा और आपको लगता है कि वो डिलीट कर देगा जल्दी से जल्दी, तो आप जल्दी से इसे क्लिक कीजिए और जैसे उसने भेजा भेजने से पहले आप उसे यहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करते ही इसे यहाँ से टच कीजिए और अपने नोट्स पे सेंड कर दीजिए, ताकि सामने वाला अगर डिलीट भी कर देता है तो ये आपके व्हाट्सएप पे रह जाएगा, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई भी कोई मैसेज करता है कोई वीडियो है और आप उसके चैट को पूरा डिलीट करना चाहते हैं, कोई मैसेज है तो आप उसे यहाँ से इस पर भेज देंगे, भेज देने से वो सेफ रहेगा और बाद में आप अपने नोट्स आके चेक कर सकते हैं आपको क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या काम है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या आपने लिख के रखा है, पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे यूजफुल ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।